महाराष्ट्र सरकार वालों की सोध का मुद्दा लगातार गर्माउंदा जा रहा है। दस दें कि महाराष्ट्र की शिवसेना की एकनाथ शिंदे सरकार ने नांदेड़ सिख गुरद्वारा सचखंड श्री हजूर अफजल साहिब एक्ट 1956 सोध करने का फैसला किया है। इस सोध के तहत सूबा सरकार ने गुरद्वारा एक्ट में अपने नामजद मैंबर की गिनती वाधा करने की तजवीज़ रखी है। सूबा सरकार की कैबिनेट वालों इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि सूबा सरकार के फैसले की श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आलोचना की है। इसके नाल ही श्रोमणी अकाली दल ने भी इसकी निंदा की है और इस नूं वापस लैण दे लई कहा है। हालांकि सरकार ने इस सोध का कारण भी दसिया है। जस्टिस जे एस भाटिया की अगवाई में एक कमेटी का गठन किया गया सी अते इसे कमेटी की रिपोर्ट के आधार उत्ते फैसला लिया गया है कि इस रिपोर्ट के विच यह सुझाया गया सी कि गुरद्वारा साहिब विच श्रद्धालुओं की आमद के विच वाधा होया है। इसके नाल ही प्रशासन का कार्यभार भी वधिया है, इसलिए एक्ट 1956 विच सोध करन दी लोड़ सी। आखिरकार की है श्री हजूर अफजल साहिब एक्ट? गुरद्वारा बोर्ड 3 साल के लिए चुनिया जाता है और संगत इसके मैंबर की चोण करती है। 1956 के एक्ट अनुसार गुरद्वारा सचखंड बोर्ड नांदेड़ तख्त हजूर साहिब का प्रबंध देखता है। 1956 के एक्ट के अनुसार हुण तक तख्त हजूर साहिब बोर्ड विच कुल 17 मैंबर ने, जिन्हों के 4 मैंबर श्रोमणी कमेटी वालों नामजद होंगे ने, 4 मैंबर सचखंड हजूर खालसा दीवान के होंगे ने, संसद वालों 2 सिख मैंबर चीफ खालसा दीवान तो 1, मराठवाड़ा के 7 जिलों तो सीधे चुने गए 3 मैंबर शामिल होंगे ने। इस नाल ही महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तो 1-1 मैंबर नांदेड़ कलैक्टर नामजद होंगे ने। नवी सोध दे विच की है? नवी सोध के अनुसार प्रबंधक कमेटी के 17 मैंबर 12 सीधे महाराष्ट्र सरकार वालों नामजद किए जाएंगे, 3 मैंबर की चोण होगी और श्रोमणी कमेटी हूँ सिर्फ 2 मैंबर ही नामजद कर सकती है। इस अलावा संसद या होर संस्थावां तो कोई नुमाइंदगी नहीं होगी। हुण जेकर एक्ट पास हो जाता है तो सरकार 12 मैंबर नामजद करेगी, 2 मैंबर श्रोमणी कमेटी और 3 मैंबर वोटां राही जित के बोर्ड दे विच शामिल किए जाएंगे। चीफ खालसा दीवान, हजूरी खालसा दीवान और सिख मैंबर पार्लियामेंट को मनफी कर दिया जाएगा। इस बिल के पास होने के नाल महाराष्ट्र के सिखा के मन के रोस है। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह, श्रोमणी कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने महाराष्ट्र सरकार वालों तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ प्रबंधकी बोर्ड के एक्ट च मनमर्जी नाल सोध करन नूं सिख धर्म च सीधा दखल करार दिता है। उन्हां आख्या है कि सिख पंथ अपने गुरधामां दे प्रबंधां च सरकारी दखल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जथेदार ने भी कहा है कि उन्होंने श्रोमणी कमेटी नूं आदेश दिता है कि उक्त मामले संबंधी महाराष्ट्र सरकार नाल गलबात करके सिख विरोधी फैसला वापस करवाउण दी चारजोई करे।